अर्चना ना सिर्फ काफी ज्यादा गुस्से में है बल्कि प्रियंका से बहुत ही ज्यादा हर्ट है। अर्चना प्रियंका की दोस्ती क्या है क्या नहीं वो किसी को समझ में नहीं आ रही, जैसे कि प्रियंका और अंकित का रिश्ता किसी को समझ में नहीं आ रहा। एक कंफ्यूजिंग स्टेटस है, एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेटस है, वही इस वक्त प्रियंका और अर्चना के केस पे भी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अर्चना गौतम ने बिग बॉस के मेकर्स के सामने एक बड़ी बात रख दी है और उसी के साथ साथ ये सीधा सीधा लिंक होती है प्रियंका से, क्योंकि प्रियंका को लेकर ये बात रखी है। जी हाँ, प्रियंका के घमंड पर उन्हें ऐसा लगता है अर्चना को कि प्रियंका में काफी घमंड आ गया है। किस बात का और किस चीज का, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि प्रियंका चहर चौधरी को लेकर अर्चना गौतम ने काफी कुछ कह दिया है। देखिए, दोनों की लड़ाइयां जब होती हैं, कभी कोई सही होता है, कभी अर्चना सही होती है, कभी प्रियंका सही होती है, लेकिन कल की जो लड़ाई थी उसमें मुझे प्रियंका इसीलिए सही लगी बिकॉज वो सेम चीज 2 दिन पहले अर्चना ने की थी और उन्होंने ही बवाल शुरू किया था। अगर प्रियंका पर अर्चना बवाल पहले नहीं करती तो बाद में प्रियंका भी बवाल नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है। अब इस चीज पर मैं आपको बता दूं, हालांकि जब अर्चना रोने लग गई तब वो मुद्दा शांत हो जाना चाहिए था बट वो नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि अर्चना कहती है मुझे तो उस दिन मजा आएगा जब इसका कंधा निकलेगा, यानी कि अंकित के बारे में उन्होंने हिंट करते हुए कहा। अंकित गुप्ता इसका कंधा और इसका इस घर में सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। देखिए, बिग बॉस के घर में सबसे मेन चीज होती है आपका इमोशनल ब्रेकडाउन, इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि बिग बॉस यहाँ का गेम है, यहाँ का और यहाँ का कनेक्शन। और अगर आपको मेंटली और इमोशनली सपोर्ट करने वाला कोई ना कोई उस घर में हो तो आपका सफर 90% ईजी जो है वो हो जाता है, दैट इज अ फैक्ट। हालांकि ये बहुत बड़ा वीकनेस भी है लेकिन ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि अर्चना यही बात कहते हुए कहती हैं, मुझे तो उस दिन मजा आएगा जब इसका कंधा निकलेगा। इस कंधे पर वो घमंड कर रही है ना, ये अंकित कंधा है इसका। हम रोते हैं तो हमारे पास कोई नहीं होता है, हमें अकेले रोना पड़ता है। कंधा रखने के लिए हमारा कोई सहारा नहीं है, अकेले रोते हैं हम, लेकिन ये इसके पास हमेशा अंकित जरूर होता है और इसको इसी बात का घमंड है। सो कहीं ना कहीं अर्चना काफी ज्यादा भड़की है इस बात पर और बड़ी ही क्लियरली अर्चना ने ये बात बोल दी है कि हम क्योंकि अकेले हैं तो इसलिए हमें इमोशनल सपोर्ट इस घर में नहीं है। जिस दिन अंकित गुप्ता घर से जाएंगे, जिस दिन अंकित उस शो को अलविदा कहेंगे, उस दिन मुझे देखना है कि प्रियंका क्या करती है, किसके पास वो जाती है। क्योंकि देखिए, आपको एक दोस्त तो चाहिए ही चाहिए घर में, वरना आप पूरा दिन अकेले बैठकर क्या करेंगे उस घर में। आपको किसी ना किसी से तो रिश्ता बनाना पड़ेगा। बट प्रियंका, अंकित तो फिर भी दोस्ती करते हैं बट प्रियंका एफर्ट इसीलिए नहीं लेती किसी से रिश्ता बनाने का क्योंकि उन्हें पता है कि अंकित है, जो कि गलत है काफी हद तक। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अर्चना की इस बात पर आप कितना अग्री करते हैं और क्या मेकर्स इस बात को सुनेंगे और इस बात को तवज्जो देंगे, और अगर तवज्जो दी मेकर्स ने तो क्या अंकित गुप्ता को निकालकर जल्द से जल्द ये 8 हफ्तों के सफर में एटलीस्ट 5 हफ्ते तो प्रियंका अकेले लड़े, फिर देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं।